हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के बारे में एंड उसकी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में कि ग्रुप में क्या चल रहा है किशोर बयानी की कंपनी है जिसमें सेवन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आती है एंड उनका नाम है फ्यूचर रिटेल जिसके अंदर बिग बाज़ार एंड अदर स्टोर्स आते हैं और उसके बाद आती है फ्यूचर लाइफ लिमिटेड जिसके अंदर फैशन रिलेटेड ब्रांड्स आते हैं उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर सप्लाई चेन जिसके अंदर वेयर हाउस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम आता है देन फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड जिसके अंदर बेसिकली सारी फ्यूचर की लिमिटेड कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं एंड इसकी पेरेंट कंपनी कह सकते हैं आप ये फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड एंड जो फंडिंग प्रोवाइड करती है फिर आती है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क जो कि मार्केटिंग एंड नेटवर्क रिलेटेड काम करती है उसके बाद आती है पेरेक्स होम टाउन जिसमें जो फर्नीचर का काम करती है जो कि फ्यूचर रिटेल से निकली थी फ्यूचर की होम टाउन कंपनी तो ये कुछ सेवन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं फ्यूचर ग्रुप की एंड कंपनी के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली बारह हज़ार करोड़ का डेट था ये सारी डिटेल मैंने और भी फ्यूचर से रिलेटेड वीडियोज़ बना रखे हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा तो आप वहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा एक एक कंपनी की डिटेल्स एंड फ्यूचर ग्रुप के बारे में ओवरऑल ब्रीफ में क्या काम करती है डिटेल में मैंने बता रखा है बेसिकली उन वीडियो में तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं इस तरीके की और वीडियोज़ लाते रहूँगा तो अभी लेटेस्ट ये फाइनलाइज हो रहा है कि फ्यूचर रिटेल फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फ्यूचर सप्लाई चेन ये मर्ज हो जाएगी रिलायंस इनको टेक ओवर कर लेगा एंड हो सकता है कि फ्यूचर कंज्यूमर के भी कुछ ब्रांड्स को रिलायंस टेक ओवर कर ले ये न्यूज़ चल रही है ऑलमोस्ट सेटल होने वाली है डील ये डील भी रिलायंस बहुत ज़्यादा विलिंग है पंद्रह जुलाई से पहले सेटल करने को क्योंकि पंद्रह जुलाई को रिलायंस की एजे मीटिंग है ट्वेंटी ट्वेंटी की एंड इस बार ये रिलायंस भी अपनी एजे मीटिंग वर्चुअली करेगा कोरोना वायरस के चलते तो ये सब रिलायंस को कैसे फ़ायदा देगा बेसिकली रिलायंस रिटेल के अंदर ये सारे जो भी बिज़नेसेस हैं रिलायंस को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेंगे एंड ये बिज़नेस की वैल्यू अभी बहुत कम है चाहे इन सब बिज़नेस पे डेट काफ़ी ज़्यादा है बट अगर डेट और बिज़नेस की वैल्यू देखें तो वो मिला के भी काफ़ी कम है अभी अगर इसको कंपेयर करें डी से जैसे कि मैंने अपने बाकी वीडियोज़ में भी बताया है बार बार कि अगर डी से इनको कंपेयर करें तो ये डी से बड़ी कंपनी निकल के आती है इनकी अलग अलग कंपनीज़ को मिलाए एंड इनकी वैल्यूएशन डीमार्ट से टेन टाइम्स कम है तो इस चक्कर में ये वैल्यूएशन का गेम समझते हुए रिलायंस ने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करा है अपना कर रहा है अभी फ़ाइनल डील हुई नहीं है न्यूज़ में फाइनल डील नहीं आई है बट ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सोर्सेज से पता लग चुका है कि इन कंपनीज़ को वो मर्ज कर लेगा एंड फ्यूचर कंज्यूमर में वो इंटरेस्टेड है एंड ये डील बिफोर फिफ्टींथ ऑफ जुलाई हो जाएगी बाकी फ्यूचर ग्रुप की एक इंश्योरेंस की भी कंपनी है जो कि किशोर बयानी बेचने जा रहे हैं एंड उन्हें अब अपनी इंश्योरेंस के जनरल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस वेंचर के लिए एस बी आई एंड प्रेम जी इन्वेस्टमेंट मिल गए हैं तो वो अपना मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स उनको बेचने जा रहे हैं और अगर हम देखें तो ये इतनी सारी कंपनीज अपनी बेच रहे हैं उनके पास क्या बचेगा फाइनली तो फ्यूचर ग्रुप के पास बेसिकली ये कंपनीज़ बचेंगी एफ ई जो कि फ़्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है एंड होम रिटेल जो कि होम टाउन का काम करती है फर्नीचर का ये पहले तो फ्यूचर रिटेल के अंदर आती थी तो अभी तक इसकी कोई न्यूज़ में बात नहीं है तो हम रिज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं बिक रहा है एंड उसके बाद बचेगा फ्यूचर मार्केटिंग नेटवर्क एंड कुछ पोर्शन फ्यूचर कंज्यूमर का तो ये कंपनीज़ बचेगी बेसिकली फ्यूचर ग्रुप के अंदर ये सारी कंपनीज़ अगर मैं बताऊँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है एंड बहुत ज़्यादा टर्न भी नहीं है इन कंपनीज़ का लेकिन कंपनी डेट फ्री हो जाएगी जैसा कि किशोर बयानी बहुत ही अच्छे अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ एंड अपने काम लेके आते हैं तो हो सकता है इनमें से भी किसी बिजनेस को वो आगे ग्रो करे या कोई एक नया बिज़नेस अपना लॉन्च कर ले फ्यूचर ग्रुप के अंडर क्योंकि अब डेट फ्री हो, होने की उम्मीद है फ्यूचर ग्रुप के जब ये सारी कंपनियां वो बेच देंगे तो एंड उनका अच्छा खासा कैश फ्लो आ जाएगा तो देखना पड़ेगा कि आगे किशोर बयानी क्या करते हैं अपने फ्यूचर ग्रुप के साथ एंड डील्स कैसे टर्नआउट होती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा बट फ्यूचर सेफ़ लग रहा है कंपनीज़ का क्योंकि इन्वेस्टर्स मिल गए हैं बहुत ही वैल्यूएबल uh, इन्वेस्टर मिल गए हैं जिनके पास पोटेंशियल है इनको और अच्छे से ग्रो करने का जितना अभी तक फ्यूचर ग्रुप ने ग्रो कर दिया है वो काफ़ी था अब वो उस कंपनी को आगे जाके उसके डेट रिडक्शन कर सकते हैं जिसके जिससे कंपनी को एंड इन्वेस्टर को फ़ायदा हो सकता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही था थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी मेरी इससे रिलेटेड एनालिसिस फ्यूचर ग्रुप के बारे में मैं वीडियो लिंक कर दूंगा उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा बाय